ପାଟନା କୋର୍ବା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଟ୍ରାକ୍ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଟକିଲା ଟ୍ରେନ୍, ମରାମତି ପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲା ସ୍ଥିତି। हैदराबाद रे पांच घंटा धरी प्रबल वर्षा, कांथ भुशुड़ी, बंजारा हिल्स रे बापा पुओंक मृत्यु, विद्युत संस्पर्श रे आसी चारमिनार निकट रे प्राण हरैले युवक, सतर्क रहिबाकु प्रशासन को तेलंगाना मुख्यमंत्री को निर्देश। एवं धनदात्री को आवाहन पाई सज बाज, आसंता पांच रु गजलक्ष्मी पूजा, ढेंकानाल रे शेष पर्याय रे प्रस्तुति, मूर्ति आउ तोरण काम रे लागिछन्ति कारीगर। नमस्कार, आमरे ओडिसा को स्वागत करूछि, मु स्मृतिलग्न आसीबा। संपूर्ण खबर को, श्रीनगर बीएसएफ कैंप उपर आतंकवादी आक्रमण होईछि। श्रीनगर विमान बंदर निकट रे थिबा 182 बीएसएफ बटालियन उपर होईथबा आक्रमण रे बीएसएफ रो 4 जवान होईछंती आहत, 2 आतंकवादी एथिरे निहत होईछंती। भोर 4टा समय रे आतंकवादी माने बीएसएफ कैंप उपर आत्मघाती आक्रमण करथिले। सूत्र रो मिलथिबा खबर हिसाब रे 4-5 आतंकवादी आक्रमण में सामिल अच्छा बीएसएफ कैंप भितर पशा को उद्यम करते आतंकवादी। वर्तमान आतंकवादी और सेना भितर गुड़ विनिमय जारी रही। सेपटे आतंकवादी आक्रमण को देखी श्रीनगर विमान बंदर में विमान चलाचल को बंद कर गतकाली राति पुलवामा जिलार अवंतीपुर आतंकवादी गुड़माड़े स्थानीय पुलिस स्टेशन मुंशी आशक नामक मृत्यु होता बेले पुलिस कही बाहाघर भोजी फेरुवा समय आतंकवादी गुड़माड़ करते। ए संपर्क में श्रीनगर विमान बंदर निकट में अधिक सूचना देखते आम प्रतिनिधि सामी उल्ला। सुबह करीबन 5 बजे मिलिटेंटों ने बीएसएफ कैंप पर हमला बोल दिया और अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में 2 बीएसएफ के अहलकार जख्मी हुए और अभी भी जो है फायरिंग रुक रुक के हो रही है। और ये काफ़ी हाई सिक्योरिटी वाला इलाका माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी मिलिटेंट अंदर घुस जाने में कामयाब हुए और फिलहाल ऑपरेशन चल रहा है। और सिक्योरिटी फोर्सेज की भी कोशिश है कि जल्द से जल्द ये ऑपरेशन ख़त्म किया जाए, मिलिटेंटों को मार गिराया जाए ताकि मजीद नुकसान ना उठाना पड़े। और मैं आपको बता दूं कि एयर सर्विस फिलहाल रोक दी गई है, ये जो इलाका है पुलिस ने सील कर दिया है ताकि किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही फिलहाल खबर है। और सिक्योरिटी फोर्सेस की ये कोशिश है कि जल्द से जल्द ये एनकाउंटर ख़त्म हो ताकि मजीद नुकसान उठाना ना पड़े। समी उल्ला, ETV न्यूज़, एयरपोर्ट, श्रीनगर। गृहमंत्री राजनाथ सिंह आज एक उच्चस्तरीय बैठक डकाई। आज भोर समय होता बीएसएफ कैंप उपर आतंकवादी आक्रमण और जम्मू काश्मीर सुरक्षा प्रसंग को नहीं बैठक डकाई। बैठक दिन 11:30 गृहमंत्री बासभवन अनुषित होपटे। श्रीनगर संवेदनशील अंचल में कड़ा सुरक्षा व्यवस्था करी, एयरपोर्ट आड़क जावाई अनुमति दिया जाएगी।